हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीतास केकरी एंड फूड्स में। जब हो कुछ मीठा खाने का मन तो बनाएं झटपट ये बढ़िया सा दलिया रेसिपी, जो बहुत ही बढ़िया और टेस्टी बनता है, खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। तो चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुकर गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हम घी और घी को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। दलिया बनाना बहुत ही आसान है, झटपट बन जाता है। घी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ऐड कर लेते हैं दलिया। और दलिया को हमें अच्छे से भूनना है। जितना ही हम अच्छे से दलिया भूनेंगे इसका टेस्ट उतना ही बढ़िया आएगा। तो इसे हम अच्छे से भून लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है दोस्तों, और हेल्दी भी है। इस तरह से दलिया बना के खाइए, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, और बच्चों को भी खिलाइए। तो इस तरह से देखिए इसे हमें चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। दलिया को हम जितना बढ़िया भूनेंगे दलिया हमारा उतना ही बढ़िया टेस्टी बनेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखिए इसे भून रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसका हल्का हल्का कलर चेंज हो चुका है। इसका मतलब दलिया हमारा अच्छे से भून के रेडी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पानी। दलिया भून चुका है, अब इसमें हम पानी ऐड करते हैं। तो पानी हम यहाँ पे डालेंगे। इसमें हमने एक बाउल से थोड़ा कम दलिया लिया था, तो हम यहाँ पे तीन बाउल इसमें पानी डाल देते हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बाकी के चीज़ें हम बाद में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसमें पानी डाल दिया, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब यहाँ पे हम कुकर का ढक्कन करेंगे बंद और इसमें हम दो सीटी लगा लेंगे ताकि दलिया बढ़िया से गल जाए और अच्छे से पक जाए। दलिया पानी अच्छे से सोक करता है, तो इसलिए हमें पानी इसमें तीन गुना ज़्यादा डालना है। अब यहाँ पे देखिए हमने कुकर को कर दिया बंद, अब इसमें हम दो सीटी लगा लेते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसमें दो सीटी लगा लेंगे। ये पहली सीटी लग चुकी है और एक सीटी हम इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो सीटी लग चुकी है। चलिए कुकर को हम 5 मिनट के लिए ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुका है। बाकी का हम हल्का सा जो इसमें गैस था वो निकाल दिए। अब हम यहाँ पे कुकर का ढक्कन खोल के दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दलिया हमारा कितना बढ़िया ये पक चुका है। अब इसमें हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें ये नारियल का बुरादा है, कोकोनट बुरादा, उसे ऐड कर लेते हैं। और इसमें अब हमने बादाम और पिस्ता कटा हुआ डाल दिया है। अब इसमें हम शुगर ऐड करेंगे। तो यहाँ पे शुगर हमने उतना ही लिया था जितना दलिया लिया था, उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसमें शुगर ऐड कर लिए हैं। अगर आपको शुगर नहीं पसंद है तो आप इसके जगह पे गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गुड़ से भी दलिया बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब देखिए इसे हम अच्छे से पका लेते हैं। दलिया को हमें तब तक पकाना है जब तक ये शुगर का सारा पानी सोख ना कर ले। तो यहाँ पे दलिया बनके बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे अब हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसमें हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसमें इलायची नहीं डाला है, अगर इलायची आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना बिना इलायची के भी इस तरह से आप एक बार दलिया बना के देखिए। दलिया का अपना ही बहुत बढ़िया एक टेस्ट है, जिसे हम बिना इलायची के भी खाएं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे हमारा ये बगैर इलायची वाला दलिया बनके रेडी है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो आज के वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। फिर जल्द लेके आएंगे आपके लिए नई रेसिपी। तब तक के लिए इंतज़ार करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।